हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुने। इस वीडियो में मैं उत्तराखंड का पूरे एक साल का करंट अफेयर आपका कवर कराऊंगा, जो आपके उत्तराखंड एग्जाम के लिए और यूके पीएससी के लिए और आपका यूके एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा। जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए उत्तराखंड का पूरे एक साल का करंट अफेयर जरूर पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जनवरी माह में आपका कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस आपका उत्तराखंड में हुआ था, जो आपका जनवरी 2017 में हुआ था और देहरादून में हुआ था। नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर इसमें शामिल हुए थे। आईएफ चॉपर से ये दोनों आपका देहरादून में आए थे। देहरादून में एक आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसमें इन्होंने आए थे और आपका इस कॉन्फ्रेंस में आपका शामिल हुए। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा एयरपोर्ट है, तो आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। मार्च माह में, क्योंकि फरवरी माह में आपका कोई करंट अफेयर नहीं था और फरवरी में आपका 15 फरवरी 2017 में आपका इलेक्शन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपका 15 फरवरी 2017 में आपका विधानसभा की 70 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुआ था, उसका आपका चुनावों का रिजल्ट आपका मार्च 2017 में आपका रिजल्ट आया था। इसमें बीजेपी ने आपका 57 सीटें और आईएनसी आपका कांग्रेस ने 11 सीटें और अदर आपका 2 सीटें, अन्य ने 2 सीटें जीती। इसमें मुख्यमंत्री बनाया गया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत को और डोईवाला सीट से आपके ये विधेयक हैं। 9वें मुख्यमंत्री ये बने हैं उत्तराखंड के और 5वें आपके बीजेपी के आपके ये नेता बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। और हरीश रावत जो आपके पहले पूर्व सीएम थे, वो आपके हरिद्वार और किच्छा सीट से आपका, ठीक है, इलेक्शन लड़ा था, बट ये हार चुके हैं यहां से। 18 मार्च को त्रिवेंद्र रावत ने आपका शपथ ग्रहण करी और देहरादून में शपथ ग्रहण करी। ये आपके 9वें मिनिस्टर के साथ इन्होंने शपथ ग्रहण करी, जो आपका परेड ग्राउंड देहरादून में आपका इनका शपथ हुआ। इनमें से अगर बताना चाहूं कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें आपके 7 आपके कैबिनेट हैं और 2 आपके इनमें से आपका स्टेट मिनिस्टर हैं। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आपका खनन प्रक्रिया में 4 माह के लिए आपका एक बैन कर दिया गया था। यह आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क में बैन किया था 28 मार्च 2017 को, और जो ये फैसला सुनाया आपका राजीव शर्मा और सुधांशु धुलिया ने सुनाया। इंटरनेशनल योग दिवस उत्तराखंड में मनाया गया, जो आपका मार्च 2017 में ऋषिकेश में मनाया गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मोदी ने आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है, ऐसा कहा। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के लिए योग और वैदिक रीति को अपनाना योग एक रास्ता बताया। व्यक्तिगत, परिवार, समाजों, राष्ट्र के भीतर संभावना और शांति के लिए भी योग को एक बहुत बेहतरीन ढंग से बताया। इसके बाद आपका भारत नेपाल जो आपका सेना प्रशिक्षण है उत्तराखंड में हुआ, ये आपका पिथौरागढ़ में हुआ। उत्तराखंड में संपन्न 7 मार्च 2017 को ये आपका संपन्न हुआ है और 2 वीक तक ये आपका प्रशिक्षण चला है। यह प्रशिक्षण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में चला है। उत्तराखंड ने गंगा नदी को आपका लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है। लिविंग एंटिटी क्या होती है? लिविंग एंटिटी आपका जिस प्रकार से एक मानव को आपका कुछ दर्जा मिलता है गवर्नमेंट से, उसी तरीके से लिविंग एंटिटी आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, ये आपका 20 मार्च 2017 को दिया गया है। पहली नदी आपकी गंगा नदी है, जो जैसे ह्यूमंस को राइट्स मिलते हैं, वैसे ही आपके गंगा नदी को भी राइट मिले हैं कि इसको कोई गंदा नहीं कर सकता है, और ठीक है, उस पे क्या होगा, आपका अपराध का केस दर्ज हो सकता है। दूसरी नदी थी आपकी यमुना नदी, और एमपी के द्वारा भारत की जो तीसरी नदी को आपका लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है, वो आपका नर्मदा नदी को दिया गया है। अब अप्रैल 2017 में मोदी के द्वारा एक उड़ान योजना का उद्घाटन किया गया था। ये अप्रैल 2017 में उद्घाटन किया गया था। ये योजना क्या थी? ये उड़े देश का आम नागरिक, इसकी आपकी फुलफॉर्म है, और 45 एयरपोर्ट को इसके अंदर लेके आया गया है। इसमें पंतनगर का एक एयरपोर्ट, जो आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है, यहाँ पर उधम सिंह नगर में, ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका उधम सिंह नगर में आपका पंतनगर एयरपोर्ट पड़ता है। अगस्त 2017 में यहाँ पहली एक उड़ान आपकी शामिल हुई थी, पहली उड़ान। इसमें क्या है, आपका आम लोगों के लिए 2500 तक आपकी हवाई यात्रा का लाभ देना है। अब फर्स्ट मॉक एक्सरसाइज जो आपका उत्तराखंड में हुई है, जो आपके फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जैसे आपके पाइन ट्री होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चीड़ के ट्री कहते हैं, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इनमें क्या हो जाती है, फायर हो जाता है, तो उस कारण से निपटने के लिए जल्द से जल्द तो एक आपकी मॉक एक्सरसाइज चलाई गई थी। ये एक स्टेट लेवल की एक्सरसाइज थी, जो आपकी 3 दिन तक चलाई गई है और 18 अप्रैल 2017 को ये स्टार्ट हुई थी।
इसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था फायर एजेंसी, वन विभाग, आर्मी और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और सिविल डिफेंस ने इसमें आपका हिस्सा लिया था। इसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर और बैडमिंटन एसोसिएशन के थो चीफ बने थे जो अखिलेश दास, उनका निधन हो चुका है। ओके, तो ये आपके 3 बार अपर हाउस के मेंबर भी रह चुके हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा अखिलेश दास जिनका निधन हुआ है क्या वो अपर हाउस के थे, तो हाँ जी वो आपका अपर हाउस के थे। और भी क्वेश्चन इस तरीके से उठ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में 9वें कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस FRI में हुआ। ये आपका 3 अप्रैल 2017 में हुआ है। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन किया गया और यह 5 दिन तक चला। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन कवर के उपलक्ष्य में इसको चलाया गया। इनकी जो थीम थी आपका कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस की, वो आपकी वनों के लिए वंस और खुशहाली था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हुए। आगे बात करते हैं, संघ मंत्री और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया चीफ अखिलेश दास का निधन हो चुका है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये 3 बार अपर हाउस के मेंबर रह चुके हैं। जून 2017 में एक विद्या वीरता मिशन चलाया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये आपका कृष्ण कांत पॉल के द्वारा चलाया गया। और इसमें विश्वविद्यालय और अदर कॉलेजेस देशभक्ति की भावना के लिए प्रचारित करना था। देश के लिए हर एक नागरिक जिम्मेदारी ले, मतलब अगर जो विद्या वीरता है या फिर विद्या के लिए हर एक आपका विश्वविद्यालय और कॉलेज एक देशभक्ति की भावना को लेकर इसमें एक तरीके से आपका जिम्मेदारी ले कि आपको विद्या को आपको बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ाना है। उत्तराखंड आपका खुले में शौच, ठीक है, ओपन डिफिशेंसी, ठीक है, की घोषणा आपका यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने करी। और ये आपका उत्तराखंड 4वां आपका ओपन डिफिशेंसी आपका शौच से मुक्त स्टेट बना है। पहला आपका सिक्किम था, दूसरा आपका केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा आपका हरियाणा। उत्तराखंड को सेकंड ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट समिट में आपका एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। ये आपका एक्सेलेंस अवार्ड 23 जून 2017 को मिला है। ये जो एक्सेप्ट किया है ये आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज कुमार पांडे ने, उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी के ने आपका यह एक्सेलेंस अवार्ड ग्रहण किया है। ओके, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड को आईटी सेक्टर में आपका ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आ सकता है। जुलाई 2017 में आपका रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गोल्ड गवर्नमेंट्स एंड रिपब्लिकेशन ऑफ बेस्ट 2 दिन के लिए आपका चला था। ये एक कॉन्फ्रेंस थी जो नैनीताल उत्तराखंड में चली है और आपका 9 जुलाई आपका 2017 में चली है। इसका जो उद्घाटन किया है सी विश्वासना ने किया है, जो सेक्रेटरी हैं आपका DARPG के। प्रणब मुखर्जी ने दून में आसियान एनेक्सी का उद्घाटन किया है। ये आपका 10 जुलाई को उद्घाटन किया गया था और देहरादून में ये आपका रायपुर रोड में पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उत्तराखंड के पॉल, मुख्यमंत्री जो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ध्यान दीजिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जो आपके 9वें मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के आपके 5वें मुख्यमंत्री है जैसा मैंने आपको बताया, और रमेश पोखरियाल निशंक ये शामिल हुए थे। उत्तराखंड ने एक हस्ताक्षर साइन किया है AAI एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के साथ और एंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। ओके, 21 जुलाई 2017 को ये मोह साइन की गई थी या हस्ताक्षर किया गया था फॉर डेवलप सिविल एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट के लिए। उत्तराखंड के पार्कों में 272 टाइगर पाए गए। भारत का दूसरे नंबर का आपका उत्तराखंड के पार्क इसमें शामिल हुए हैं। पहले नंबर पे जो पार्क है जहां 400 टाइगर थे वो आपका कर्नाटक था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की अगस्त 2017 में आपका नमामि गंगे, जो आपका 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा आपकी शुरुआत की गई थी, इसके लिए आपका अगस्त 2017 में एक उत्तराखंड के द्वारा रैली आयोजन हुई। ओके, गंगा संरक्षण के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई जो 4 धाम तक आपकी गई। ओके, यह जो आपकी रथ यात्रा थी ये जो उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनमें एक जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि गंगा को सफाई से आपका, ठीक है, सफाई उसमें रखा जाए, इसीलिए ये जो रथ यात्रा थी 4 धाम में भेजी गई।
एक है वैष्णव सुरक्षा योजना जो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। ये क्या है, ये आपका जन्मी बच्ची के साथ अगर आप सेल्फी भेजते हैं तो सामने वाले या फिर नजदीकी अस्पताल से आपको एक कन्या किट दिया जाएगा। उस कन्या किट में आपका जो भी बालिका के लिए एक आपका यूजफुल सामान होगा वो उसमें पाया जाएगा। ये आपका रेखा आर्या द्वारा आपका चलाया गया है, पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको रेखा आर्या को आपका घोषणा करने के लिए कहा गया था। मेरे बुजुर्ग तीर्थन योजना का नाम परिवर्तित हो चुका है। ये बहुत आपको आप जानते हैं कि ये इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि मेरे बुजुर्ग में तीर्थ जो योजना है इसमें चार धाम के लिए आपका बुजुर्गों को फ्री में सेवा आपकी उपलब्ध कराई गई थी। इसका नाम परिवर्तित हो गया है, आपका दीन दयाल उपाध्याय तीर्थन योजना इसका नाम रख दिया गया है। और आपका दीन दयाल का जो जन्म 25 सितंबर 1916 से 11 फरवरी 1968 तक आपका रहा है, ठीक है। इस समय इनका निधन हो चुका था, इनका नाम परिवर्तित हो चुका है आपका दीनदयाल उपाध्याय। और इसमें जो इनकी जयंती मनाई गई वो आपकी 25 सितंबर 2017 को मनाई गई, जो 21वीं जयंती थी। और इसमें जगहों में भी काफी बदलाव हुआ है, ओके। और 65 साल की उम्र में जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको इससे लाभ से बाहर रखा गया है, ओके। तो मतलब 65 साल जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं वही इस मेरे बुजुर्ग में तीर्थन योजना का आपका लाभ उठा पाएंगे। राजकीय उद्यान चौबट्टिया जो आपका अल्मोड़ा में पड़ता है उसका नाम भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय गार्डन। जो घोषणा करी है सुबोध उनियाल ने करी है, जो आपके कृषि और आपके उद्यान मंत्री हैं। एकता बिष्ट और मानसी जोशी को आपका खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आपके 5-5 लाख रुपए IIC द्वारा दिए गए हैं। जो दायरा बुग्याल है जो आपका उत्तरकाशी में पड़ता है वहां एक माखन होली खेली गई है। यह आपका अगस्त 2017 में खेला गया था और इसको एक तरीके से आपका ओडुंगी उत्सव भी कहा जाता है। देहरादून में ह्यूमन कोऑपरेटिव बैंक खुला जो आपका अगस्त 2017 में खुला है। इसकी अध्यक्ष जो बनी है वो आपकी मंजू कठैत बनी है और इस बैंक में आपकी सारी की सारी आपकी ह्यूमन्स है। नेशनल आयुष मिशन NAM ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको फंड दिया है आपका NAM। ये NAM है क्या, ये एक तरीके से एक आयुष मिशन था जो आपका जो औषधि होती है उनको आपका उगाने के लिए आपको एक तरीके से फंडिंग करना। 8 अगस्त 2017 को स्टेट और केंद्र प्रदेश में आपकी फंडिंग की गई थी। इसमें क्या है आपका 90% और 10% का हिस्सा फंड का होता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं या फिर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ओके, जो आपका हिली एरिया है उसमें आपका 90% जो फंडिंग करती है वो आपका केंद्र गवर्नमेंट करती है और 10% जो फंडिंग करती है वो करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ओके। अदर स्टेट का ये रेशियो आपका 75% है, ओके। सितंबर 2017 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाया उत्तराखंड में, ओके। ये एक तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था जो उसको आगे बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक करने के लिए आपके रेखा आर्या द्वारा जो महिला एवं विकास मंत्री हैं इनके द्वारा इसको बढ़ चढ़कर इसमें एक तरीके से जागरूकता फैलाई गई। गौरव दिवस गोविंद बल्लभ पंत जयंती जो 130वीं है इसमें 10 सितंबर 2017 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये आपके पहले जो आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं, इसीलिए इनको इनके उसके उपलक्ष में उत्तराखंड में गौरव दिवस मनाया गया। खाटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था और 23वीं काली दिवस को उत्तराखंड में मनाया गया जो अभी आपका 1 सितंबर 2017 में आया था, वो काली दिवस के रूप में 23वीं काली दिवस के रूप में मनाया गया। और खाटीमा और मसूरी गोली कांड आपका 2 सितंबर को हुआ था और इससे पहले खाटीमा कांड आपका 1 सितंबर 1994 को हुआ था। उत्तराखंड के सचिवालय का नाम परिवर्तन, मुख्य भवन का नाम जो आपका उत्तराखंड सचिवालय के अंदर है उसका नाम आपका अब्दुल कलाम भवन कर दिया गया और मुख्य सचिव भवन जो सुभाष चंद्र बोस का है उस ठीक है उस भवन के उसमें जो मुख्य सचिव भवन है उसको सुभाष चंद्र बोस भवन उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब यहाँ पर चमोली जो जिला सहकारी बैंक है गोपेश्वर में जो जिसका मुख्यालय है ठीक है तो उसके जो आपका अध्यक्ष जो मनोज कुमार है उसको आपका एक तरीके से अवार्ड दिया गया जो आपका फ्रंटरिया बैंक अवार्ड है जो 2017 में दिया गया क्योंकि उन्होंने आपका बैंकिंग के क्षेत्र में आपका जो नागरिक है वहां के लोग हैं उनको निःशुल्क आपका एक तरीके से काफी जागरूक किया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। कौस्तुभ जोशी को आपका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए निःशुल्क 9वीं से 12वीं तक एक वेबसाइट बनाई जो बहुत हेल्पफुल है। ये आपके राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी आपके पिथौरागढ़ के हैं।
क्लीननेस कंपेनियन आपका जो ब्रांड एम्बेसडर आपका उत्तर प्रदेश का चुना गया है, अक्षय कुमार को चुना गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान संकुल परियोजना चलाई जा रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा घोषणा की गई थी। और ये आपके जो हर्षवर्धन है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, और ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण और वन विभाग और क्लाइमेट चेंज के एक तरीके से कह सकते हैं ये सारे विभाग डॉक्टर हर्षवर्धन के पास हैं। 22 सितंबर 2017 को आपका उत्तराखंड में क्लस्टर अवधारणा के जरिए सतत विकास हेतु उपयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संबंधित कदमों पर अमल करने के लिए प्रयास। ओके, तो ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान साकुंत जो है आपका, ठीक है, संकुल परियोजना के अंदर था। इसमें 4 क्लस्टर आपका उत्तराखंड में बनाए गए हैं। ये क्लस्टर सबसे पहले होता क्या है, क्लस्टर आपका इस तरीके से बहुत सारे गांवों को जोड़कर इसको पूरा एक तरीके से एक बड़ा सा वो बना देना, कोई भी घूमने आए ताकि वो सारी जगहों को देखे, तो इस तरीके का क्लस्टर बनाया है। तो एक आपका गंदीधरा और बाजीरा और बिगोरा जो गढ़वाल में पड़ता है, और कौसानी, ठीक है, जो आपका बागेश्वर में पड़ता है। तो ये एक आपके 4 क्लस्टर को आपका बनाया गया। अब इसमें आपका अक्टूबर 2017 में अंडर 17 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है फीफा, ओके, तो ये आपका गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। तो अल्मोड़ा के जो जितेंद्र सिंह बिस्ट हैं वो इसमें शामिल हुए थे, और इसमें इंग्लैंड हारा और आपका स्पेन आपका जीता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अल्मोड़ा के जितेंद्र सिंह बिस्ट इसमें शामिल हुए थे। मिसल्स और रूबेला वैक्सीन कंपेनियन उत्तराखंड में का आयोजन हुआ है 26 अक्टूबर को, ये आपका देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड देश का ये आपका 13वां स्टेट है उत्तराखंड देश का, क्योंकि जो मिजल्स रूबेला वैक्सीन कैंपेन आपका उत्तराखंड चला रहा है। इसमें 28 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जो 15 वर्ष से आपके ऊपर के बच्चे होंगे उनको, जो 15 वर्ष से जो लगभग 15 वर्ष तक के बच्चे हैं उससे नीचे को ये टीका लगाया जाएगा। 2020 तक ये आपका लक्ष्य रखा गया है कि इतने बच्चों को क्या करना है, आपका टीका लगाना है। यूनिसेफ और WHO के द्वारा इसे मदद दी जा रही है ताकि आपका मीजल्स और रूबेला वैक्सीन कैंपेन के जरिए इसकी जो डिजीज है वो बच्चों पे ना हो। अक्टूबर को उत्तराखंड के एक व्यक्ति का आपका डूडल बनाया था आपका गूगल ने, तो ये आपके नैन्सिया रावत हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। 23 अक्टूबर 2017 को 3 कुमाऊं रेजिमेंट के 100वें साल पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट निकाला गया। तो ध्यान रखिए, अभी आपका 3 कुमाऊं रेजिमेंट जो आपका 23 अक्टूबर 2017 को 100 साल पूरे हो चुके हैं। RBI के द्वारा एक अपनी ब्रांच, इससे पहले आपका ब्रांच आपका UP के द्वारा चलाई जाती थी, अब एक अपनी ब्रांच आपका RBI ने यहां पर खोल दी है ताकि बैंकों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए। यह आपका 3 अक्टूबर 2017 को खोली गई और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के नए सचिव बने हैं उत्पल सिंह, जो 25 अक्टूबर 2017 को 15वें आपके सचिव बने हैं। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा एक सोलर ब्रीफकेस योजना लागू की गई है। ये सोलर ब्रीफकेस है क्या, जहां बिजली या पिछड़े इलाकों में जो बिजली नहीं पहुंच पाती है, तो जैसे केदारनाथ हो गया, ओके, तो यहां आपका एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ये सोलर प्लांट आपके एक तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा और चैरिटेबल फंडिंग एजेंसी स्वान कल्चर केंद्र एंड फाउंडेशन के द्वारा लगाया जाए, मदद की जा रही है तो तब लगाया जाएगा। उत्तराखंड में रन फॉर यूनिटी क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पे 31 अक्टूबर 2017 को विधानसभा से एक आपका रन फॉर यूनिटी का मतलब है कि एक रैली निकाली गई, जो के पॉल और मुख्यमंत्री इसके साथ रैली के साथ इन्होंने शुरुआत करी। दिसंबर 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी बायोग्राफी निकाली। इस बायोग्राफी में त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा आपके खैर सका सूरज उनकी बुक का नाम है। हिमाचल प्रदेश सरकार से उत्तराखंड सरकार ने टेली दवाइयों के लिए एक ट्रीटी साइन करी है, हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्रीटी साइन हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ये घोषणा की गई है, या फिर आपका हिमाचल सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड में सरकारी कॉलेजों में जो स्पोर्ट्स हुआ था अभी, वह आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जीता। दून यूनिवर्सिटी में यह आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में 2018 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्कीइंग होगा। ये कहाँ होगा, ये आपका औली और चमोली में होगा। इसका आयोजन औली चमोली में होगा। पिथौरागढ़ के सेरसिया पांगती का निधन हो गया। तो ये आपके ट्राइबल हरितेगे म्यूजियम की इन्होंने स्थापना करी थी, जो मिंसारी और मिंसारी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। राजूला मालुसाई की इन्होंने बुक लिखी है, कुमाऊं की ये एक प्रेम कथा है।
बीरज मोहन नेगी का निधन भी हो गया है, जो देहरादून के थे और ये एक आपका पोस्टर और कवि थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक जमरानी डैम के डैम का बनने का निर्माण बनने का निर्णय हुआ है। ये इसका टोटल कॉस्ट आपका 2350 करोड़ रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश आपका 25% फंडिंग करेगा और उत्तराखंड आपका 75% फंडिंग करेगा। ये जो लगभग 13 मीटर की लंबाई में आपका डैम बनाया जाएगा और लाभ उत्तराखंड में से हल्द्वानी और आपका नैनीताल को लाभ और बिजनौर और रामपुर को लाभ किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड में ब्रांड अम्बेसडर जो बनी है वो आपकी कविता बिस्ट बनी है। भारत द्वारा ऑल वेदर रोड का उद्घाटन आपका टनकपुर से आपका पिथौरागढ़ रोड में किया गया है। ये आपका 150 किलोमीटर की है और प्रधानमंत्री द्वारा ये इसका आपका उद्घाटन किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो मेंबर चुने गए हैं वो आपका एक प्रसून जोशी और पहलाज निलानी है। शहीद लांस नायक रघुवीर सिंह को 2017 में एक शौर्य चक्र दिया गया है, जो आपके गैर सैंड के हैं और 15 अगस्त 2017 को ये दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत एक आपका स्वच्छता यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है, तो गोविंद बल्लभ पंत आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी को दिया गया है। सरकारी यूनिवर्सिटी में ये पहली रैंकिंग में आया है, स्वच्छता रैंकिंग 2017। सारे कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट हैं और जितने भी प्राइवेट हैं उनका आपका एक रैंकिंग स्वच्छता रैंकिंग बनाई गई, तो उसमें आपका गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर आपका यूनिवर्सिटी सबसे पहले नंबर पे घोषित की गई। उत्तराखंड का जो पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो आपका विराट कोहली को बनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही आपको करंट अफेयर के वीडियोज चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएं, ताकि अगली बार आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करंट अफेयर करवा दूं। आपको 15-15 दिन के गैप में एक मंथ का आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ओके। और लास्ट में हम पूरा जो 30 डेज का होगा उसमें करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। ऐसे ही एजी टूडे के साथ बने रहिए, ओके। थैंक यू एवरीवन।